हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में मौजूद हुए एक ऐसे सेशन को लेके, जी हाँ, IBPS RRB PO 2017 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हर तरफ ये सवाल आ रहा है निकल के कि एग्जाम तो हो गया भैया, अब कट ऑफ क्या रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपके बीच में आज लेके आए हैं कि आखिर कट ऑफ कितना रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा थंबनेल पे लिखा है कि 52 प्लस कट ऑफ। आखिर 52 प्लस कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, इन सब की वजह आपको बताऊंगा मैं। साथ ही साथ 2016 में जो कट ऑफ था, 2017 से कंपेयर करेंगे, एग्जाम लेवल को कंपेयर करेंगे, वैकेंसी के साथ आपको कंफर्मेशन के साथ बताएंगे कि आखिर कट ऑफ बढ़ने या घटने के आसार क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ में क्लर्क की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, IBPS RRB क्लर्क इसी वीक में होना है, तो इसकी स्ट्रेटेजी आप कैसे करें। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। तो बिल्कुल जी हाँ, सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ 2017। जी हाँ, IBPS RRB का सेक्शनल कट ऑफ। प्यारे बच्चों, एक बात देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास में दो थे, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बात को अगर आप समझो कि 12-13 मैंने यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ रखा और मैथ्स का रखा है 15-17। ये सेक्शनल कट ऑफ बेसिकली है क्या, आपको समझा देते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बच्चे बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये है कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रीजनिंग में बारे बच्चों, अगर आपके 30 मार्क्स आ गए या 35 मार्क्स या 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 आ गए, और मैथ्स में आपके नंबर आए कितने, 12 नंबर, और 52 आपका स्कोर बना और आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ अगर मैथ्स की क्वालिफाई नहीं होगी तो आप वहां पे रह जाएंगे, आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। तो इतना सेक्शनल कट ऑफ मुझे लगता है आपकी बार रहने के आसार हैं। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये भी बताऊंगा आपको कि ये मैंने 15-17 मैथ्स क्यों रखा है, रीजनिंग 12-13 क्यों रखा है। पहले जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2017 का क्या हो सकता है, और वो ये आपके सामने। बच्चे, यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जर्नल का कट ऑफ जो हमको समझ में आ रहा है वो जाने वाला है 52 से 58 तक। अब ये 52 से 58 तक जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्यों जाने वाला, देखिए 2016 को अगर हम याद करें तो 2016 का जो पेपर था वो बिल्कुल हूबहू जैसे इस बार पूछा गया था उसी पैटर्न पे था, पैटर्न कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हमने देखा कि मैथ्स थोड़ा अगर इजी आया तो किसी शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ा टफ देखा गया, अगर कहीं पर रीजनिंग इजी आया तो वहां पर मैथ्स में DI को थोड़ा सा लेंथी रखा गया। यानी एग्जामिनर ने जो आपकी बार पेपर सेट किया उसने ये इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि अगर पर्टिकुलरली किसी सेक्शन को आप इजी कर रहे हो तो किसी सेक्शन को उसने टफ भी लगा। यानी यहां पर जो सेफ अटेम्प्ट लोगों ने किया, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट लोगों ने किए, 60-65 हर किसी ने अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम लोगों का मैं बताऊं, कुछ लोग 50 तक भी गए। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ऑन एवरेज हर बच्चे ने 55 प्लस अटेम्प्ट किया, जिस हिसाब से मुझे जो लगता है, क्योंकि 11 लाख लोगों ने पेपर दिया, 11 लाख लोगों ने सॉरी अपेयर किया था, जिसमें से अगर 10 लाख लोगों ने भी पेपर दिया होगा, वैकेंसी जो है यहाँ पर वो है 5000 के अप्रॉक्स वैकेंसी, यानी 6000 से भी कम है, 5000 थोड़ी ज्यादा वैकेंसी है, आप लमसम 5000 वैकेंसी मान लीजिए। बच्चा अगर आप देखिए 5000 वैकेंसी, अगर एक सीट पे वो कम से कम 16 लोगों को भी क्वालिफाई करेगा तो 16x5 से मल्टीप्लाई कर लो, 80000 हो गया। यानी अगर हम देखें 1 लाख बच्चे अगर मेंस में जाते हैं, या आप डबल कर लीजिए 2 लाख बच्चे अगर आप मेंस में जाते हैं, तो 10 लाख में से अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म दिया, 2 लाख बच्चे अपेयर करेंगे मींस एग्जामिनेशन में, तो इस हिसाब से वो कट ऑफ को एडजस्ट करेगा ताकि जितने लोगों का अटेम्प्ट रहा होगा 55 प्लस वो आगे जाएं। तो जर्नल का कट ऑफ निकल के आ रहा है 52 से 58, इसी रेंज में रहेगा, मैक्सिमम 60 से ऊपर जाने के कोई आसार मुझे नहीं लग रहे। ओबीसी की बात करूं तो 48 से 55 रहेगा, एससी का 44 to 49, इस रेंज में आपका कट ऑफ रहने के आसार है। आखिर ये कट ऑफ इस रेंज में रहने के आसार क्यों है, तो एक नजर डालते हैं 2016 के आंकड़ों पर। 2016 के आंकड़ों पर नजर डालें तो रीजनिंग मैथ्स का ये था सेक्शनल कट ऑफ। जब पिछली बार मैथ्स की अगर बात करें तो ज्यादा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देखे गए थे, तो इसका 12.25 रहा, रीजनिंग कट ऑफ रहा 15। इसलिए मुझे अब की बार लग रहा है कि रीजनिंग इस बार, काफी बच्चों ने कहा कि सर पजल में बहुत टाइम लग गया था, पजल थोड़ी सी लेंथी आई थी, टाइम टेकिंग थी, तो रीजनिंग का कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन मैथ्स जहां की इजी था तो मैथ्स थोड़ा बढ़ सकता है सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। 2016 की बात करते हैं, ये हैं आपके कुछ स्टेट जिनका कट ऑफ हम लोग डिस्कस करते हैं। हम चाहेंगे स्क्रीन को पूरा जूम आउट किया जाता कि हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। यूपी की अगर बात करें तो जर्नल का कट ऑफ था 2016 में 52.25, एससी 44, ओबीसी 49.50। अब यहां पर बच्चे गौर करने वाली बात है
पिछले वर्ष 52 कट ऑफ था। आप देखिए हर साल कट ऑफ बढ़ता है, डिक्रीज कभी नहीं होता कट ऑफ, आप जानते हैं इस बात को। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ते हैं हर साल, नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता है, कट ऑफ तो बढ़ना लाजमी है। आप ऐसे सोचिए, देखिए वैकेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ, तो बच्चे अगर देखो वैकेंसी जिस तरह से कम हो रही है उस हिसाब से कट ऑफ का बढ़ना लाजमी है। तो वैकेंसी अगर मैं देखूं यहां पर वैकेंसी जितनी पिछले साल थी उससे थोड़ी कम है, ज्यादा कम नहीं है, तो आप ये मान के चले कि पिछली बार अगर 52.25 था तो अब की बार इससे ज्यादा ही रहेगा, इसके इक्विवेलेंट ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि वैकेंसी जितनी पिछली बार थी उससे थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है। अगर नंबर ऑफ एस्पायरेंट पिछली बार से अब की बार में देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ज्यादा नंबर ऑफ एस्पायरेंट भी यहां पर नहीं बढ़े। लेकिन यहां पर एक जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप देखें स्टेट वाइज में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर बैंक की, वो आपको देखना होगा नोटिफिकेशन में किस स्टेट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। बच्चे अगर किसी स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, वहां पे कैंडिडेट कम अपेयर हुए हैं, तो नो डाउट कट ऑफ लो रहेगा। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और ज्यादा लोग अपेयर हुए हैं तो इसका मतलब वैकेंसी ज्यादा रहेगा, जिसका उदाहरण हमको देखने को मिला था हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में बताएंगे हम आपको। तो यूपी का बच्चे जितने भी लोग हैं वो ये मान के चलो कि 52 प्लस रहने वाला है और 55 से 58 के बीच में कट ऑफ रहने के सबसे ज्यादा आसार है यूपी के। मध्य प्रदेश की बात करें तो 50 पिछली बार रहा था, अब की बार ऑन एवरेज 52 के आसपास रहने के आसार। राजस्थान 52 था, 54-55 अब की बार भी रहेगा। सिमिलरली अदर स्टेट का भी, अब जितना भी अदर स्टेट का कट ऑफ 2016 का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 से 5 नंबर ही बढ़ सकते हैं मैक्सिमम और ऊपर नहीं जाएगा, यानी +3 +5 के रेंज में ही कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ऊपर कट ऑफ बढ़ने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने स्टेट का आप देख लीजिए और +3 +5 करके इस रेंज में आप कट ऑफ रहेगा। अच्छा, आगे स्टेट की बात करें तो केरला आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा था आंध्र प्रदेश का 56.75, तो अब की बार शायद आंध्र प्रदेश वालों इस बार कट ऑफ 60 रह सकता है अगर पेपर वहां का देखिए टफ आया, क्योंकि देखो स्टेट वाइज पेपर भी वरी करता है, आप सब लोग जानते हैं ना, स्टेट वाइज पेपर भी वरी करेगा और साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस पर्टिकुलर स्टेट में, ये भी कट ऑफ डिसाइड करता है। तो ये कुछ स्टेट का मैंने यहां पर मेंशन किया है, गुजरात का सबसे कम रहा था, तो वैकेंसीज कितनी है गुजरात में ये आप देखिए और वहां पर देखिए कितने लोग वहां पे अपेयर हुए हैं उस हिसाब से कट ऑफ, यानी पिछले बार आप इतना मान के चलिए कि +3 +5 का ही रहेगा कट ऑफ, इससे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑन एवरेज सारे स्टेट को अगर हम एक एवरेज कट ऑफ निकालें तो एवरेज कट ऑफ निकल के आता है 52 प्लस, जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया था 52 प्लस कट ऑफ रहने के आसार हैं। तो जिनका एग्जाम हो चुका है वो लोग 52 प्लस माने, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो ये मान के चले कि 52 प्लस कट ऑफ इसका रहने वाला है। अब बात निकल के आती कि आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कैसे की जाए। प्यारे बच्चों पिछली बार आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ बहुत हाई रहा था, 63 के आसपास कट ऑफ था यूपी का आईबीपीएस क्लर्क की, अगर मैं बात करूं 71 था पंजाब का क्लर्क की। तो अगेन इस बार भी लेवल इजी रहने वाला है, लेवल में मुझे नहीं लगता कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क थोड़ा हाई करेगा, लेवल तो ऑलमोस्ट सेम रखेगा। अगेन वही चीज है कि यहां पर स्पीड एक्यूरेसी का खेल रहेगा, तो जिनका एग्जाम है 16 तारीख को उनको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए 80 में से। स्ट्रेटेजी क्या होगी इस सब की उसको हम कल बताएंगे सुबह 10 बजे आपके वीडियो में। यानी अब देखिए आज मंडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 4 दिन जो क्लासेस चलेंगी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे लाइव देखिएगा वीडियो, जहां पर गेस्ट पेपर के साथ साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्लर्क में 70 मार्क्स कैसे लाए जाए, और 70 का मतलब 35 मैथ्स 35 रीजनिंग। जी हाँ, तो कल 10 बजे लाइव जुड़िएगा हमारे साथ, जहां पर हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे आने वाले 4 दिनों में क्लर्क की क्लासेस को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, जो लोग कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे उन तक ये बात रखिएगा कि कट ऑफ को लेकर परेशान बिल्कुल मत हो, ये 52 प्लस कट ऑफ ऑन एवरेज रहने वाला है अब की बार भी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी आपका सवाल मन में रह गया हो आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट आप तक हम तक पहुंच जाएगा और फिर हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। बिल्कुल जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात सुबह 10 बजे होगी, देखना मत भूलिएगा महिंद्रा गुरु पे सुबह 10 बजे गेस्ट पेपर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।